हेलो गाइस, वेरी गुड नून, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। तो एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीरियल्स की कुछ डिजीज़, राइट। और इनमें हम लोग राइस की कुछ और भी डिजीज़ पढ़ेंगे। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने राइस की डिजीज़ पढ़ी थी। तो एक्चुअली में पंजाब में आपकी जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं, पहले हम उनको कम्प्लीट करेंगे, फिर उसके बाद सीरियल्स में हम बाकी डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं फटाफट से हमारी आज की क्लास। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आप सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस डू सब्सक्राइब द चैनल, एंड साथ ही साथ अड्डा 24/7 के मोबाइल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिए। तो गाइस, ये आपका अड्डा 24/7 का मोबाइल एप्लीकेशन है। जैसे ही आप इसको डाउनलोड करते हो, इसमें आपको जाना है कैटेगरीज़ पर। कैटेगरीज़ में आप चूज़ करोगे एग्रीकल्चर, और इसमें एग्रीकल्चर में आपको यहाँ पर डेली क्विजेस का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करने पर यहाँ पर मिलेंगे क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश के क्वेश्चन, और साथ ही साथ एग्रीकल्चर के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, राइट। तो गाइज़, इनको आप सॉल्व कर सकते हो, और आपको पता है कि आपके एग्जामिनेशन में इस पोर्शन से भी क्वेश्चन आने वाले हैं, राइट। तो गाइज़, ये आपको ज़रूर सॉल्व करना है। ओके, हाँ जी, वेरी गुड। अच्छा, इवनिंग नहीं हो रहा है यार, वेरी गुड नून अजय, आकाश, वेरी गुड नून गाइज, वेलकम इन द सेशन। तो आई थिंक ये हमारे सारे स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं सेशन में। तो गाइज यार, एक बात और, जितने भी स्टूडेंट्स सेशन में जुड़े हुए हैं यार, क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर किया करो, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट सेशंस हैं। तो यार, डेफिनेटली आप ही की तरह आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे जो ऐसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें, एग्रीकल्चर के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें, ताकि उनको भी ये क्लासेस विजिबल हों और उनको भी क्लासेस का बेनिफिट मिले। ओके, और वो भी अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से आप ही की तरह कर सकें, ठीक है। तो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो सबसे पहले गाइज, हम लोग को पढ़ना है सीरियल्स ऑफ डिजीजेस के बारे में, राइट। और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं राइस की डिजीज़। तो आज हमारी सारी डिजीज जो है राइस की ही होंगी, क्लियर। हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून। तो गाइज, सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं शीत रॉट डिजीज़ के बारे में, ठीक है। अब गाइज देखो, जितनी भी डिजीजेज हैं, ठीक है, पहले की क्लास में मैंने आप लोगों को प्लांट पैथोलॉजी की जब इंट्रोडक्टरी क्लास में हम लोगों ने करी थी, तो उसमें मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें बताई थी, लाइक बैक्टीरिया के बारे में भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बताई थी, फंगस के बारे में बताई थी, इसके अलावा मैंने आपको पैथोजेंस के बारे में भी बताया था, राइट। हम लोगों ने होस्ट के बारे में भी पढ़ा था कि होस्ट क्या होते हैं, पैथोजेंस क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इससे प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी थी, राइट। तो गाइज, डेफिनेटली डिजीज़ के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये पता है कि पैथोजेंस क्या होते हैं, होस्ट क्या होते हैं, किस तरीके से अटैक करते हैं, कितने टाइप के पैथोजेंस होते हैं, लाइक बैक्टीरिया होते हैं, फंगस होते हैं, वायरसेस होते हैं, निमेटोड्स होते हैं। तो दीज ऑल आर एक्चुअली द पैथोजन, जितने भी आपके बायोटिक होते हैं। और डिजीज़ और डिसऑर्डर में भी मैंने आप लोग को डिफरेंस बताया था कि डिजीज़ क्या होती हैं जनरली और डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, राइट। तो इन सभी के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो डेफिनेटली ये डिजीज़ वाला जो पार्ट है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जो शीत रॉट डिजीज़ का पार्ट है, उससे स्टार्ट करते हैं। तो शीत रॉट डिजीज़ जनरली एक पैथोजन कॉज करता है, राइट। और ये पैथोजन है आपका सेरोक्लेडियम ओराइजी, राइट। तो ओराइजी है, ओराइजी से आप एक चीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हो कि पैथोजन किसका है, राइस का है, ठीक है। तो बेसिकली द पैथोजन रिलेटेड टू द राइस डिजीज़, पैथोजन जो होगा राइस डिजीज़ को रिलेट करेगा, क्योंकि राइस का बोटैनिकल नेम क्या है, ओराइजा सेटाइवा, क्लियर। देखिए, अब इसके सिम्टम्स की बात अगर हम करें गाइस, तो सिम्टम्स इसके क्या होते हैं, मतलब किससे शो होता है, किस चीज़ से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो इन्फेक्शन है ये पर्टिकुलर पैथोजन कॉज कर रहा है, ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो बेसिकली सिम्टम्स के थ्रू हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। अब इसके स्टार्टिंग सिम्टम क्या होते हैं जिससे हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि हर एक पैथोजन कुछ ना कुछ सिम्टम तो ज़रूर शो करता है, कुछ ना कुछ वो इस तरीके से ज़रूर अपना साइन देता है कि मैं यहाँ पर प्रेजेंट हूँ, मेरी अटेंडेंस लगा दो, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम इनिशियल सिम्टम की बात करें गाइस, तो ये सबसे पहले तो लीफ वाले पार्ट को अफेक्ट करता है, ठीक है, जो लीफ वाला पोर्शन है उस पोर्शन पर ये इन्फेक्शन कॉज करता है सबसे पहली बार, ठीक है, लीफ शीट पर। तो बेसिकली इसका जो अफेक्टेड पार्ट हो गया, दैट इज एक्चुअली द लीफ, वो लीफ हो गया, ठीक है। अब देखो, इनिशियल सिम्टम आर नोटिस्ड ओनली ऑन द अपर मोस्ट लीफ शीट। अब जो ऊपर की यानी कि अपर मोस्ट लीफ शीट जो है, वहाँ पर सबसे पहले आप इसका इन्फेक्शन नोटिस कर सकते हो, ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ, इन्फेक्शन जो है वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। देन द फ्लैग लीफ शीट सो द ऑबलोंग इरेगुलर ग्रेइश ब्राउन स्पॉट्स,
दूसरा इसका सिम्टम क्या है, तो इसमें कुछ स्पॉट्स बनते हैं और उन स्पॉट्स के कलर से भी हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब उन स्पॉट्स का कलर कैसा होता है, तो गाइस उन स्पॉट्स का कलर होता है जनरली आपका द फ्लैग लीफ शीथ शो ऑबलोंग और इरेगुलर ग्रेश ब्राउन स्पॉट्स। तो कैसे स्पॉट्स ये जनरली शो करता है, इरेगुलर और ग्रेश ब्राउन स्पॉट्स, ठीक है। तो जनरली इसके जो स्पॉट्स हैं वो ग्रेश ब्राउन कलर के स्पॉट्स हमें दिखाई देते हैं, क्लियर बात, ओके। तो बेसिकली क्या बताया मैंने आपको सिम्टम्स में, जनरली सबसे पहले यहाँ पर अपर जो लीफ है वहाँ पर इन्फेक्शन हमें दिखना स्टार्ट होता है, वहाँ से स्टार्ट होता है इन्फेक्शन। और बेसिकली हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, तो इसमें जनरली आपके इरेगुलर से स्पॉट्स बनते हैं, राइट, और वो स्पॉट्स आपके ग्रेश ब्राउन कलर के दिखाई देते हैं। तो जैसे ही आपको ग्रेश ब्राउन कलर के स्पॉट्स दिखाई दें तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये कैसा इन्फेक्शन है, शीथ रॉट का इन्फेक्शन है जो हम लीफ्स में आइडेंटिफाई करते हैं, क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं गाइस, नेक्स्ट वन इज द इनलार्ज एंड दे इनलार्ज एंड डेवलप द ग्रे सेंटर एंड ब्राउन मार्जिन्स। अब यहाँ पर ये जो आपके स्पॉट्स हैं, ये जो आपके स्पॉट्स हैं जनरली, तो ये स्पॉट्स धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। अब उनका जो साइज है वो धीरे धीरे इंक्रीज करता है, ठीक है। तो बेसिकली इन स्पॉट्स का जो साइज है वो धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, एनलार्ज होगा, ठीक है। और इनका जो स्पॉट्स का जो सेंटर वाला पार्ट है, ठीक है, सेंटर वाला पार्ट और मार्जिन वाला पार्ट है, इन दोनों में हमें जनरली अलग अलग कलर दिखाई देते हैं, क्लियर बात। तो बेसिकली जो सेंटर वाला आपका पार्ट है, सेंटर वाले पार्ट में हमें बीच में ग्रे कलर दिखाई देता है, ठीक है। सेंटर वाले पार्ट में हम ग्रे कलर को ऑब्जर्व करते हैं, ग्रेश कलर हमें दिखाई देता है। और मार्जिन्स वाला जो पार्ट है वहाँ पर जनरली हमें कौन सा कलर दिखता है, तो ब्राउन कलर दिखाई देता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सेंटर पे आपको ग्रे कलर आप ऑब्जर्व करोगे, राइट, और मार्जिन्स पे आप पर्पल कलर को ऑब्जर्व, सॉरी मार्जिन्स पे आप ब्राउन कलर को ऑब्जर्व करोगे, सॉरी पर्पल नहीं होगा, ब्राउन कलर है, ठीक है। तो इससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इस इन्फेक्शन को कि उसके स्पॉट्स बनेंगे, ठीक है, और स्पॉट्स अंदर से ग्रे कलर के होंगे और बाहर से जनरली ब्राउन कलर के होंगे, ठीक है। दूसरी बात, द यंग पैनिकल रिमेन विद इन शीथ और इमर्ज पार्शियली। तो गाइज जो इसके छोटे छोटे पैनिकल्स हैं वो प्रॉपरली जो जनरली जो यंग पैनिकल्स होते हैं वो धीरे धीरे या बहुत हल्के हल्के से इमर्ज होते हैं, वो प्रॉपरली इमर्ज नहीं हो पाते, पूरे तरीके से वो खुल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो वो जनरली आपके प्रॉपरली इमर्ज नहीं हो पाते, प्रॉपरली ओपन नहीं हो पाते, ठीक है, ये भी इनका एक इंपॉर्टेंट फीचर है। दूसरी बात, द पैनिकल रॉट एंड अबंडेंट व्हाइट पाउडरी फंगल ग्रोथ इट्स सीन इनसाइड द लीफ शीथ। अब इसके अलावा लीफ शीथ के अंदर आप और एक चीज ऑब्जर्व करते हो, क्या ऑब्जर्व करते हो, तो वहां पर आपको पाउडरी ग्रोथ दिखाई देती है। और ये पाउडरी ग्रोथ किसकी होती है, तो ये पाउडरी ग्रोथ जनरली हमारे फंगस की होती है, क्लियर। तो आप यहाँ पर एक और चीज भी ऑब्जर्व करोगे, तो वो आप यहाँ पर फंगल ग्रोथ ऑब्जर्व करोगे। और ये फंगल ग्रोथ कैसी होती है, ये पाउडरी फंगल ग्रोथ होती है, ठीक है। यहाँ पर जो फंगस की ग्रोथ हम ऑब्जर्व करते हैं वो पाउडरी फॉर्म में हम जनरली फंगस की ग्रोथ को ऑब्जर्व करते हैं, क्लियर बात, ये समझ में आ गई। तो बेसिकली मैंने आपको क्या क्या बताया, यहाँ पर क्या बनेंगे आपके स्पॉट्स बनते हैं, अपर लीव्स में हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, और ये स्पॉट्स सेंटर में ग्रे कलर के होते हैं और बाहर से ब्राउन कलर के होंगे। और मेनली ये पैनिकल रॉट भी कॉज करते हैं, ठीक है, पैनिकल्स प्रॉपरली इमर्ज नहीं हो पाते, वहाँ पर फंगल ग्रोथ हम ऑब्जर्व करते हैं। और इस फंगल ग्रोथ में जनरली हम एक पाउडर जनरली हम ऑब्जर्व करते हैं, और वो पाउडर होता है आपका वाइटिश ग्रे कलर का पाउडर हम यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं, क्लियर बात, ये समझ आ गई। चलो हाँ जी राधे राधे मनीष, वेलकम इन द सेशन। चलिए अब नेक्स्ट में चलते हैं, ये तो हमने स्पॉट्स की बात करी, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस फेवरेबल कंडीशन की। अब देखो हर एक की अपनी अपनी फेवरेबल कंडीशन होती है, ठीक है, कोई पैथोजन किसी कंडीशन में ग्रो करता है, कोई पैथोजन किसी कंडीशन में ग्रो करता है, हर किसी की अपनी अपनी ग्रोइंग कंडीशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये पैथोजन है ये जनरल इसकी फेवरेबल कंडीशन क्या है, तो सबसे पहली चीज हमें ये तो क्लियर हो गया कि ये फंगस है। अब हमें ये भी पता है कि फंगस जो है वो इन्फेक्शन को स्प्रेड करते हैं, ठीक है, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, इस तरीके से फंगस बहुत जल्दी जल्दी क्या करते हैं, इन्फेक्शन को स्प्रेड करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा, फंगस अपने इन्फेक्शन को स्प्रेड करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो भाई स्प्रेड करने की कोशिश करेगा तो इसके लिए हमें एक काम करना है, हमें क्लोज प्लांटिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, डेंस प्लांटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, हमें प्लांट्स को दूर दूर रखना है, क्लियर बात, हमें प्लांट्स को दूर दूर रखना है, एक प्लांट और दूसरे प्लांट के बीच में डिस्टेंस हमें ज़्यादा रखना है। दूसरी बात,
अब क्या करोगे यहाँ पर, ये अगर आप दूर दूर प्लांट्स को रखते हो तो ऐसी कंडीशन में ग्रोथ नहीं होगी, तो अगर आप क्लोज प्लांटिंग करते हो तो अल्टीमेटली ऐसी कंडीशन में पैथोजन की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, क्योंकि उसको जल्दी जल्दी दूसरा होस्ट भी मिल रहा है। एक जगह उसने इन्फेक्शन किया, वहीं पास में दूसरा होस्ट मिल गया, उसकी बॉडी में जाकर के उसने न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि पुराने वाले प्लांट से तो आधा न्यूट्रिशन ले चुका है, वो ऑलरेडी बीमार है, तो वो इतने अच्छे से उसको न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड करेगा। अब वो हेल्दी के पास चला जाएगा, उसको वहां पर ज्यादा अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा, तो अल्टीमेटली ऐसे में उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, रिप्रोडक्शन रेट भी बहुत अच्छा होगा, वो कंडीशन उसके लिए बहुत अच्छी हो जाएगी। दूसरी बात, हाई डोज ऑफ नाइट्रोजन। अगर आप नाइट्रोजन को बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हो, फील्ड में डेफिशिएंसी है दैट इज़ ओके, लेकिन आप अगर बहुत ज़्यादा उसको अप्लाई कर रहे हो डेफिशिएंसी होने पर, तो अल्टीमेटली ये कंडीशन भी पैथोजन की ग्रोथ को काफ़ी हद तक फेवर करेगी। क्लियर बात, ठीक है, यहाँ पर भी पैथोजन की ग्रोथ बहुत अच्छी खासी होगी। अब देखिए यहाँ पर दूसरी बात हम समझते हैं, पैथोजन तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो आप स्लो रिलीज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर आप अप्लाई करो, ऐसा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर अप्लाई करो जिससे नाइट्रोजन जो है वो बहुत धीरे धीरे सॉइल को अवेलेबल हो। तो भाई जब वो बहुत स्लोली सॉइल को अवेलेबल होगा तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, पैथोजन को नाइट्रोजन प्रॉपरली यूटिलाइज करने के लिए नहीं मिलेगा, तो अल्टीमेटली जब उसको नाइट्रोजन यूटिलाइज करने के लिए नहीं मिलेगा तो उसकी ग्रोथ उतनी ज़्यादा बूम पे नहीं रहेगी। ठीक है, तो बेसिकली हाई नाइट्रोजन जब आप अप्लाई करते हो तो ये भी उसके लिए एक फेवरेबल कंडीशन की तरह काम करता है। क्लियर, दूसरी बात, फंगस है तो हमेशा मैं आपको एक चीज समझाती हूँ कि फंगस की ग्रोथ ह्यूमिडिटी में बहुत अच्छी होती है। तो भाई जितना ज्यादा टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी अच्छी रहेगी, यानी कि अगर आपका 20 to 30 या 35 तक अगर टेम्परेचर है, तो ऐसे टेम्परेचर में इस कंडीशन में फंगस की ग्रोथ बहुत ही ज्यादा अच्छी होने वाली है। क्लियर, इस कंडीशन में फंगस की ग्रोथ बहुत ही ज्यादा अच्छी हो। क्लियर, तो बेसिकली हाई ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर अराउंड दी 25 to 30 degrees centigrade, तो डेफिनेटली दिस कंडीशन विल फेवर दी ग्रोथ ऑफ पैथोजन, ये कंडीशन भी पैथोजन की ग्रोथ को फेवर करेगा। दूसरी बात, इंजरीज मेड बाई लीफ हॉपर लीफ होल्डर ब्राउन प्लांट हॉपर एंड माइट्स इंक्रीज द इन्फेक्शन। अब भाई ऐसी कंडीशन जिसमें इंसेक्ट ने आकर के अटैक किया, उसने कहीं पर पंचर कर दिया, तो डेफिनेटली वो पोर्शन जो होता है वो एक्सपोज हो जाता है, और जब वो पोर्शन एक्सपोज हो जाता है तो अल्टीमेटली ऐसी कंडीशन में इन्फेक्शन होना तो बनता ही है, राइट? तो बेसिकली जितना ज़्यादा पोर्शन आपका एक्सपोज होगा, उसको जितना ज़्यादा इंटरनल पार्ट दिखेगा, उतना ही ज़्यादा वो क्या करेगा, पैथोजेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्लियर बात, ये समझ गए? तो फेवरेबल कंडीशन आपको सारी समझ में आ गई, क्लोज प्लांटिंग नहीं करनी है, हाई डोजेस ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर नहीं अप्लाई करना है, हाई ह्यूमिडिटी की कंडीशन में उनकी ग्रोथ ज़्यादा होती है, तो यही भी आपको ध्यान में रख के चलना है। दूसरी बात, आपको लीफ ऑपर या इंसेक्ट के थ्रू इंजरी नहीं होने देनी है। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस जब आप अप्लाई करते हो तो इन सारी कंडीशंस में जब आप इनमें प्रिवेंशन लेते हो तो यहाँ पर पैथोजन की ग्रोथ रिड्यूस हो जाती है। क्लियर बात, दूसरा हम मैनेजमेंट की बात करते हैं। अब हम इसको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि हमने पैथोजन देख लिया, हमने उसके सिम्टम्स भी देख लिए, अब हम लोगों ने उसके फेवरेबल कंडीशन भी पढ़ ली कि भाई क्या क्या फेवरेबल कंडीशन है, बट अब हमें पढ़ना है मैनेजमेंट। तो गाइज देखो, मैनेजमेंट में सबसे पहले क्या है, यहाँ पर आपको क्या अप्लाई करना है, फंगल इन्फेक्शन है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर कुछ फंजासाइट अप्लाई करोगे। वेरी गुड आफ्टरनून हरीश कुशवा, वेलकम इन द सेशन। तो गाइज देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर मैनकोजेब आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, कार्बेंडाजिम आप अप्लाई कर सकते हो एक पर्टिकुलर स्टेज में, जैसे बूटिंग की स्टेज होती है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर स्टेज में आप कार्बेंडाजिम या फिर आप मैनकोजेब अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आप और क्या अप्लाई कर सकते हो, तो हम यहाँ पर जिप्सम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जिप्सम जब आप अप्लाई करोगे तो आपको कुछ स्पेसिफिक रेट में आपको अप्लाई करना है, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक रेट में आपको अप्लाई करना है, ठीक है, ऐसे एक बार आपने दे दिया, उसके बाद कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आप उसे दोबारा भी अप्लाई करोगे। इसके अलावा आप नीम एक्सट्रैक्ट दे सकते हो, नीम एक्सट्रैक्ट बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, इंसेक्टिसाइड होता है, बहुत अच्छा, मतलब नीम बहुत अच्छा वर्क करता है इन सब के अगेंस्ट, तो एक्चुअली में आप नीम एक्सट्रैक्ट भी अप्लाई कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा काम करेगा, नीम ऑयल हो गया, ठीक है। तो बेसिकली नीम के जो प्रोडक्ट हैं या नीम का जो लीफ एक्सट्रैक्ट है, ठीक है, इसके अलावा एक और प्लांट होता है जिसको हम प्रोसोपिस बोलते हैं, ये प्लांट जनरली डेजर्ट एरिया में होता है, जैसे आपका राजस्थान हो गया, जो आपके सेमी एरिड जो आपके एरिड जोन है वहाँ पर होता है प्रोसोपिस, ठीक है, तो प्रोसोपिस का लीफ पाउडर भी आप दे सकते हो, ये लीफ एक्सट्रैक्ट भी बहुत अच्छा काम करता है। तो बेसिकली इन सभी को हम यूज कर सकते हैं मैनेजमेंट के लिए, डिजीज मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। दूसरी बात, फर्स्ट स्प्रे एट द बूट लीफ स्टेज एंड सेकेंड 15
डेज आफ्टर। तो पहला स्प्रे जो आप करोगे वो 15 डेज में करोगे, ठीक है, फर्स्ट 15 डेज में। और फिर उसके बाद सेकंड स्प्रे जो करोगे वो आप नेक्स्ट 15 डेज के बाद करोगे, ठीक है, इतनी बात समझ गए। तो अल्टीमेटली गाइस ये हमारा मैनेजमेंट होता है इस पर्टिकुलर इन्फेक्शन का, कि हम यहाँ पर कुछ कार्बेंडाजिम अप्लाई करेंगे, हम यहाँ पर मैनकोजेब अप्लाई करेंगे, जिप्सम हम अप्लाई कर सकते हैं, नीम के प्रोडक्ट्स हम अप्लाई कर सकते हैं, या फिर प्रोसोपिस के प्रोडक्ट्स हम अप्लाई कर सकते हैं, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट दूसरे इन्फेक्शन पर चलते हैं गाइस। तो राइस येलो ड्वार्फ डिजीज, राइस येलो ड्वार्फ डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट इन्फेक्शन है। अब देखिए राइस येलो ड्वार्फ डिजीज जो है ये एक्चुअली एक वायरल इन्फेक्शन है। तो बेसिकली ये इन्फेक्शन वायरसेस के थ्रू होता है, ठीक है। अब गाइस देखो अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें कि इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, तो इसमें जनरली बेसिक सिम्टम आते हैं आपके कि इसमें प्लांट की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, स्टंट हो जाती है। जैसे यहाँ पर वायरस का इन्फेक्शन होता है तो वायरस वहाँ पर जनरली प्लांट की ग्रोथ को स्टंट कर लेता है, रोक लेता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर क्या होता है, एक्सेसिव टिलरिंग हो जाती है। और इसके अलावा जो इसकी लीव्स हैं, ठीक है, लीव्स जनरली क्या होती है, ये जनरली येलोइश कलर में कन्वर्ट होने लग जाती है। अब देखिए लीव्स येलोइश ग्रीन टू व्हाइटिश ग्रीन बिकम सॉफ्ट एंड ड्रूप। तो बेसिकली लीव्स का जो कलर है वो भी चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, वो भी बदलना शुरू हो जाता है। अल्टीमेटली उनकी ड्रोपिंग भी स्टार्ट हो जाती है, मतलब बहुत जल्दी लीफ फॉल भी स्टार्ट हो जाता है। भाई लीफ में अगर उसका क्लोरोफिल कंटेंट, जो उसका मेन कंटेंट है, अगर वो खत्म हो गया, लीफ का जो अपना मेन पोर्शन है वो अगर कंपोनेंट्स खत्म हो गए, तो अल्टीमेटली क्या होगा, लीफ अब किसी भी तरीके से फोटोसिंथेसाइज नहीं कर पाएगी। और अल्टीमेटली जब लीफ किसी भी न्यूट्रिएंट को अपटेक नहीं कर पाएगी, कुछ भी वर्क नहीं कर पाएगी, तो अल्टीमेटली उसकी लीफ फॉल होने लगेगा, ड्रूपिंग होने लगेगी, ठीक है। यहाँ पर ये भी आपका इंपॉर्टेंट सिम्टम है। दूसरी बात, प्लांट यूजुअली रिमेन स्टराइल। अब यहाँ पर जो प्लांट है वो स्टराइल हो जाता है, स्टराइल मीन्स उसके जो अपने रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो ग्रेन्स बनते हैं बेसिकली वो आपके अनफिल्ड ग्रेन्स बनते हैं, ठीक है, वो जनरली क्या होते हैं, अनफिल्ड ग्रेन्स बनते हैं, ठीक है। मैम खैरा डिजीज को रोकने के लिए क्या यूज करते हैं, खैरा डिजीज को रोकने के लिए वो किसकी डेफिशिएंसी से होता है, वो जिंक की डेफिशिएंसी से होता है। तो आप यहाँ पर ZnSO4 अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो जिसकी वो एक न्यूट्रिएंट डिसऑर्डर है उसके लिए आप प्रॉपरली वही न्यूट्रिएंट अप्लाई करोगे जिसकी कमी है, ठीक है। चलो तो बेसिकली गाइज यहाँ पर जो आपके प्लांट्स हैं वो जनरली स्टेराइल हो जाते हैं, क्योंकि उसका अपना रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता। और अल्टीमेटली क्या होता है, उसके जो ग्रेन्स हैं वो भी अनफिल्ड रहते हैं, वो प्रॉपरली फिल नहीं हो पाते, जैसे नॉर्मल ग्रेन्स होते हैं ना राइस के, ऐसे ग्रेन्स उसमें नहीं बन पाते हैं, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट में चलते हैं गाइस पैथोजन के ऊपर। तो इसका जो पैथोजन है वो कैसा है, तो बेसिकली गाइस इसका जो पैथोजन है बेसिकली इट इज कॉज्ड बाय द फाइटोप्लाज्मल राइस येलो ड्वार्फ फाइटोप्लाज्मा। तो ये जो इन्फेक्शन है बेसिकली येलो ड्वार्फ फाइटोप्लाज्मा इसको जनरली कॉज करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जनरली ये जो डिजीज है इसे जनरली ट्रांसमिट करने का जो काम करता है वो करता है आपका लीफ ऑफर, और ये आपके करते हैं जनरली वेक्टर है यहाँ पर, दैट इज निफोटेक्टिक्स, ठीक है, निफोटेक्टिक्स जनरली इसको स्प्रेड करने का काम करता है। और उसका जो पैथोजन है जनरली ये ग्रास वीड पर सर्वाइव करता है, किस पर करेगा, ग्रास वीड पर। तो गाइस जनरली हम इसमें क्या करते हैं कि जो आपके वीड्स हैं, ठीक है, जो आपके वीड्स हैं उनको हम रिमूव कर देते हैं, क्योंकि इसका जो मेन होस्ट, इसका जो मेन मीन सर्वाइव जिस पे करता है, अल्टरनेट होस्ट की तरह यहाँ पर जो काम करता है वो यहाँ पर वीड होस्ट करता है। तो इसलिए यहाँ पर इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, होस्ट को रिमूव भी कर लेते हैं कई बार, ठीक है, कई बार क्या, जनरली हम यहाँ पर होस्ट को रिमूव करते हैं, ठीक है। अब देखिए अब हम इसके मैनेजमेंट की बात करेंगे, तो इसको हम मैनेज कैसे करेंगे, तो इसके मैनेजमेंट के लिए जनरली हम डीप्लॉइंग कर सकते हैं, ठीक है, डीप्लॉइंग कर सकते हैं, या फिर जो भी स्टबल्स हैं, स्टबल मीन्स जो भी वहाँ पर पुराना जो भी बचा हुआ है, यानी कि पुरानी क्रॉप का जो भी वहाँ पर रेजिड्यू बचा हुआ है उसको हम स्टबल्स बोलते हैं। तो उन स्टबल्स को, पुरानी क्रॉप का जो भी रेजिड्यू है उसको आप रिमूव कर लो। जब हम उसको रिमूव कर लेते हैं तो उससे भी जनरली क्या होता है, आपका जो पैथोजन है वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि पैथोजन स्टबल्स पे ही सर्वाइव करते हैं। तो उसको हमने रिमूव कर दिया, वो भी क्या हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर हम कुछ अच्छी वेराइटीज़ को यूज़ कर सकते हैं, ऐसी वेराइटीज़ जो जनरली डिजीज़ रेजिस्टेंट वेराइटी हो। तो जब हम ऐसी वेराइटीज़ को यूज़ करते हैं तो ये आपको बेस्ट यील्ड भी प्रोवाइड करती हैं, और साथ ही साथ डिजीज़ और बाकी जो डिजीज़ या फिर किसी भी चीज़ से वो ईजीली फाइट कर पाती हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा केयर की यहाँ पर फिर ज़रूरत नहीं पड़ती है, जब आपकी जब आपका प्लांट जो है वो डिजीज रेजिस्टेंट होता है। तो जनरली जैसे नॉर्मली जो हम यहाँ पर वेराइटीज़ यूज़ करते हैं, तो नॉर्मली जो हम वेराइटीज़ यहाँ पर यूज़ करेंगे IR62
IR64। तो ये जनरली हमारी मॉडरेट रेजिस्टेंट वेराइटीज होती हैं, इनको हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। अब देखिए मैनेजमेंट पे हम यहाँ पर और क्या करते हैं, तो बेसिकली मैनेजमेंट के लिए कुछ हम जनरली जो इम्पोर्टेंट यूज़ करते हैं, जैसे वीड होस्ट को भी हम रिमूव कर लेते हैं। तो वीड होस्ट का जो रिमूवल है जनरली वो भी आपका बेटर होता है, अच्छा होता है, ठीक है। तो उसको अगर आप रिमूव कर दो तो पैथोजन आएगा ही नहीं, इन्फेक्शन कॉज नहीं कर पाएगा। क्लियर। तो बेसिकली ये हमारा मैनेजमेंट का क्राइटेरिया होता है। अब चलते हैं गाइज नेक्स्ट में। नेक्स्ट आएगा आपका स्टक बर्न डिजीज। स्टक बर्न डिजीज क्या है? तो स्टक बर्न डिजीज जनरली इसके लिए जो पैथोजन हो जाएगा आपका वो पैक्बिकी हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली आपका जो पैथोजन है दैट इज ट्राइकोकोनस पैडविकी। तो ट्राइकोकोनस पैडविकी जनरली एक आपका पैथोजन होता है जो यहाँ पर इन्फेक्शन कॉज करेगा, ओके। तो यहाँ पर जनरली अगर हम सिम्टम की बात करें गाइज इसकी, तो आप इसकी पिक्चर में भी सिम्टम देख सकते हो, ठीक है, इस इन्फेक्शन में। तो यहाँ पर मेजर आपका जो इन्फेक्शन वाला पार्ट होता है वो आपका इकोनॉमिक पार्ट होता है। इकोनॉमिक पार्ट मीन्स या तो आपका लीफ में इन्फेक्शन करेगा या फिर आपका जनरली ये ग्रेन्स में इन्फेक्शन करेगा, ठीक है। तो लीफ इकोनॉमिक पार्ट नहीं होता, ग्रेन्स मेनली आपका इकोनॉमिक पार्ट होता है। तो ये ग्रेन्स और लीफ दोनों में इन्फेक्शन कॉज करेगा और दोनों ही प्लांट के मेजर पार्ट्स होते हैं जहाँ पर ये इन्फेक्शन कॉज करता है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर लीफ में किस तरीके के सिम्टम ये ऑब्जर्व करे, ये जनरली कॉज करेगा, तो ये कुछ स्पॉट्स बनाता है, ठीक है। और इसके जो स्पॉट्स हैं उनका जनरली जो कलर है वो ब्राउन कलर होता है, ठीक है। तो डार्क ब्राउन कलर के मार्जिन वाले स्पॉट्स ये बनाता है। तो यहाँ पर आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो, किनारे से आपको ये बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर का दिखाई दे रहा होगा, है ना। इसके जो साइड्स, इसके जो मार्जिन है, ये आपको डार्क ब्राउन कलर के दिखाई दे रहे होंगे। तो बेसिकली ये जो डार्क ब्राउन कलर के मार्जिन जो है, ये स्पॉट्स जनरली क्या शो करता है, ये स्पॉट्स शो करता है आपके इन्फेक्शन को, पैथोजन के इन्फेक्शन को। क्लियर। दूसरी बात, द सेंटर ऑफ द स्पॉट्स टर्न लाइट ब्राउन और वाइट विद द न्यूमरस माइन्यूट डॉट्स। अब देखिए गाइस यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, आपके जो मिड वाला पार्ट है वो लाइट कलर का होता है। तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हो, साइड में बिल्कुल आपको ब्राउनिश कलर दिख रहा और मिड में आपको व्हाइट कलर दिखाई दे रहा है। तो मिड का जो कलर है दैट इज लाइट और साइड का जो कलर है वो आपका डार्क ब्राउन है। तो बेसिकली इस तरीके के इरेगुलर, इस तरीके के ओवल स्पॉट्स जनरली ये बनाता है, ठीक है। वेरी गुड आफ्टरनून आदि दीक्षित, हेलो दिशांत, वेलकम इन द सेशन गाइज। तो बेसिकली इससे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये कौन सा इन्फेक्शन है, ये स्टक बर्न का इन्फेक्शन है। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट में चलते हैं गाइज। इसके अलावा और क्या क्या इसके और क्या क्या इसमें जनरली हम ऑब्जर्व करते हैं, तो इसका जो ग्रेन्स वाला पार्ट है वहाँ पर रेडिश ब्राउन कलर के स्पॉट्स बनने लगते हैं। क्लियर। इसका जो ग्रेन्स वाला पार्ट है वहाँ पर रेडिश ब्राउन कलर के स्पॉट्स बनने लगते हैं और जनरली इसके जो सीड्स हैं वो धीरे धीरे बहुत सिकुड़े हुए लगने लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा सॉलिड हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके सीड बहुत ज़्यादा सॉलिड हो जाएगा और सिकुड़ जाएगा बिल्कुल, क्योंकि जनरली अगर हम हेल्दी सीड को देखते हैं तो हेल्दी सीड हमें कितना अच्छा देखने में लगता है, लगता है ना, जनरली बिल्कुल बड़ा सा, वाइबल सा, बड़ा अच्छा सा, शाइनी शाइनी सा लगता है। तो ये जो आपका डिजीज सीड होता है ये बिल्कुल ही सिकुड़ा हुआ सा लगता है और देखने से ही अनहेल्दी टाइप लगता है, ठीक है। चलिए मैनेजमेंट की हम बात करते हैं गाइज। तो मैनेजमेंट में हम क्या यूज़ करेंगे, तो सीड को सीड ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं और सीड ट्रीटमेंट में हम कैप्टन मैनकोजेब या थिरम को यूज़ करते हैं। तो इसके साथ में हम सीड ट्रीटमेंट दे सकते हैं या फिर हम एक काम और कर सकते हैं, क्या, तो वो हम ये कर सकते हैं कि हॉट वाटर ट्रीटमेंट हम अगर प्रोवाइड करें सीड को ही, तो सीड को हॉट वाटर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने से भी हम पैथोजन को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हम क्या करें, तो जो पुराना रेजिड्यू है यानी कि जो पुराने स्टबल्स हैं उनको हम रिमूव करते हैं, उससे भी काफ़ी हद तक हम इस इन्फेक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। या जो भी आपका रेजिड्यू है, जो भी आपका स्ट्रॉ वगैरह फील्ड में है, जो भी आपके स्टबल्स हैं पुराने, तो उनको अगर हम रिमूव कर दें तो उससे भी हम काफ़ी हद तक इन्फेक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। क्लियर बात। चलिए अब नेक्स्ट में चलते हैं गाइस। नेक्स्ट इन्फेक्शन इज स्टेम रॉट इन्फेक्शन। अब देखिए स्टेम रॉट का जो इन्फेक्शन है जनरली इसको स्केलेरोशियम ओराइजी कॉज करता है, ठीक है। स्केलेरोशियम ओराइजी इसके लिए आपका कॉजल ऑर्गेनिज्म है। अब गाइस देखिए इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, ये किस तरीके के जनरली सिम्टम्स शो करता है। तो बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो ये जनरली ब्लैक कलर के लीजन्स बनाता है, ठीक है। और ये लीजन्स ये कहाँ पर बनाएगा, लीफ वाले पार्ट में बनाएगा। तो ये भी मैक्सिमम इन्फेक्शन अगर आप देखो तो मैक्सिमम इन्फेक्शन जो है वो लीफ के इन्फेक्शन है और मैक्सिमम प्लांट्स जो है वो लीफ को ही अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो इन्फेक्शन होगा वो लीफ वाले पार्ट में ही इन्फेक्शन होगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो लीजन्स बनेंगे, यहाँ पर जो घाव बनेंगे वो लीफ वाले पार्ट में बनेंगे, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो इनर पार्ट और आउटर पार्ट जो होता है वो धीरे धीरे आपका डिस्ट्रॉय होने लगता है, खराब होने लगता है, ठीक है। तो देखिए स्मॉल ब्लैक लीजन्स आर फॉर्म्ड ऑन द आउटर लीफ शीथ
एंड दे इनलार्ज एंड रीच टू द इनर टू द आउटर लीफ शीथ. तो भाई आपका जो इन्फेक्शन होगा वो आउटर यानी कि बाहर से स्टार्ट होगा और धीरे 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 वो इन्फेक्शन यानी कि जो वो स्पॉट्स बन रहे हैं, जो लीजन्स बन रहे हैं, वो धीरे 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 काफ़ी बड़े होने लगते हैं, ठीक है, और वो अंदर की तरफ आने लगते हैं. क्लियर बात? ओके, चलिए अब नेक्स्ट में चलते हैं. तो द अफेक्टेड टिश्यू रॉट affected tissues rot and abundant small black sclerosia are seen in the rotting tissues. तो guys जो आपके tissues धीरे धीरे खराब होने लगते हैं, जिनकी necrosis होने लगती है, जो destroy होने लगते हैं, धीरे धीरे हम ये देखते हैं कि जो affected part है हमारा वहाँ पर tissues में rotting होने लगती है और ultimately जो rotted part है वो उसमें हमें black color के sclerosia दिखाई देने लगते हैं. क्लियर? तो ये पूरा का पूरा जो अपीयरेंस है ये जनरली हम अफेक्टेड पार्ट में शो करते हैं, जहाँ पर आपके स्पॉट्स बनते हैं, आउटर पार्ट से इनर पार्ट की तरफ आपके स्पॉट्स धीरे धीरे इनलार्ज करते हैं और अल्टीमेटली उस पार्ट की रॉटिंग स्टार्ट हो जाती है. जैसे ही उस पार्ट की रॉटिंग स्टार्ट होती है वहाँ पर हमें ब्लैक कलर के स्क्लेरोशिया दिखाई देते हैं. क्लियर बात? चलो अब दूसरे में चलते हैं. द कल्म कोलैप्स एंड प्लांट लॉज. और अल्टीमेटली क्या होगा कि जो उसका कल्म वाला पार्ट है वो नीचे गिर जाएगा और प्लांट पूरा का पूरा क्या प्लांट की लॉजिंग हो जाएगी. तो अल्टीमेटली क्या होगा, जब पूरा टिश्यूज अंदर से ब्रेक हो जाएंगे, जब पूरे के पूरे टिश्यूज ही खत्म हो गए, तो अल्टीमेटली क्या होगा, प्लांट नीचे गिर जाएगा. ठीक है, तो ये जनरली ये कुछ सिम्टम हम इसमें ऑब्जर्व करते हैं स्टेम रॉट में. तो भाई जब स्टेम का जो पोर्शन है वहाँ पर अगर मिड में इन्फेक्शन हो गया पूरे के पूरे पार्ट में, यहाँ की पूरी सेल ही अगर ब्रेक हो गई तो अल्टीमेटली क्या होगा, यहाँ की पूरी सेल खत्म हो गई तो किसी भी तरीके से यहाँ पर क्या होगा, लिविंग टिश्यूज रहेंगे नहीं, और जब लिविंग टिश्यूज नहीं रहेंगे कुछ भी चीज ट्रांसपोर्ट नहीं होगी, कोई सपोर्ट नहीं रहेगा, तो अल्टीमेटली इट विल ड्रॉप्स डाउन, ये नीचे गिर जाएगा. क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं. तो स्क्लेरोशिया आर कैरीड आउट इन स्टबल्स आफ्टर हार्वेस्टिंग. तो भाई हार्वेस्टिंग के बाद हमारे जो स्टबल्स छूट जाते हैं वहाँ पर स्क्लेरोशिया जनरली प्रेजेंट होते हैं. तो ये स्क्लेरोशिया ही मेनली क्या कर रहे हैं, इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं और यही आपके जनरली हार्वेस्टिंग के बाद, जब आपने उस पर्टिकुलर क्रॉप को हार्वेस्ट कर दिया तो उसके जो भी वहाँ पर स्टबल्स प्रेजेंट होंगे उनमें भी हमें ये स्क्लेरोशिया देखने को मिलते हैं. ठीक है मैम, ब्लास्ट डिजीज का बताना, क्या बताना है ब्लास्ट डिजीज के बारे में? ब्लास्ट डिजीज आपके सबसे पहले तमिलनाडु में रिपोर्ट हुई थी, ठीक है, और पायरिकुलेरिया कॉज करता है, और क्या बताना है ब्लास्ट डिजीज के बारे में? चलिए अब नेक्स्ट पर चलते हैं गाइस. तो इसकी फेवरेबल कंडीशन क्या है पैथोजन के लिए? तो बेसिकली अगर हम फेवरेबल कंडीशन की बात करें तो यहाँ पर लीफ ऑपर जो है, ठीक है, लीफ ऑपर और स्टेम बोरर जो है इस इन्फेक्शन को काफ़ी हद तक और ज़्यादा स्प्रेड करते हैं, ठीक है, ये हेल्प करते हैं इन्फेक्शन में. और दूसरी बात, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर आप यहाँ पर जितना अप्लाई करोगे, जितना ज़्यादा आप अप्लाई करते हो उससे इन्फेक्शन रेट और ज़्यादा बढ़ जाता है. क्लियर बात? तो अल्टीमेटली नाइट्रोजन फर्टिलाइजर आपको बहुत ज़्यादा रेट में अप्लाई नहीं करना, जैसे मैंने इससे पहले आपको बोला था कि स्लो रिलीज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर. तो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर आपको जनरली ऐसे स्लो रिलीज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर आपको अप्लाई करना है कि वो धीरे धीरे रिलीज हो, ताकि वो किसी भी पैथोजन की ग्रोथ को वहाँ पर सपोर्ट नहीं करे, ठीक है. सॉरी. और दूसरी बात, यहाँ पर जो लीफ ऑपर है, स्टेम बोरर है, इनका अगर हम इनकी एंट्री अगर हम प्रिवेंट कर सके तो वो भी बहुत ज़्यादा बेटर होगा. ऐसी कंडीशन में हम काफ़ी हद तक इस इन्फेक्शन को रोक सकते हैं. क्लियर? अब देखिए मैनेजमेंट में हम क्या कर सकते हैं. तो बेसिकली मैं हाँ जी, हेलो यश क्रिएशन, वेलकम इन द सेशन. तो गाइज मैनेजमेंट की अगर हम बात करें कि हम इस इन्फेक्शन को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, सॉरी गाइज, तो बेसिकली इसको मैनेज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डीप प्लॉइंग कर सकते हैं समर्स में, और दूसरा हम स्टबल्स को बर्न कर लें, क्योंकि हमने ये देखा कि स्क्लेरोशिया कहाँ पर प्रेजेंट है, स्टबल्स में प्रेजेंट है. तो सबसे पहले हमें उस पार्ट को ही रिमूव करना है जहाँ पर आपके स्टबल्स, जहाँ पर आपके जनरली स्टबल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते टू एलिमिनेट दी स्क्लेरोशिया, स्क्लेरोशिया को एलिमिनेट करने के लिए. क्लियर? नेक्स्ट, यूज द बैलेंस्ड एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर. अब हमें क्या करना है, दूसरा हमें फर्टिलाइजर को एक बैलेंस अमाउंट में हमें अप्लाई करना है. ठीक है, बहुत ज्यादा या बहुत कम हमें अप्लाई नहीं करना. ठीक है, दूसरी बात, अवॉइड फ्लो ऑफ इरीगेशन वाटर फ्रॉम द इन्फेक्टेड टू द हेल्दी फील्ड. तो बेसिकली हमें क्या करना है, इरीगेशन वाटर, जो भी इरीगेशन वाटर हम अप्लाई कर रहे हैं तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हेल्दी सॉरी गाइज, तो अवॉइड फ्लो ऑफ इरीगेशन वाटर फ्रॉम इन्फेक्टेड टू हेल्दी प्लांट. तो बेसिकली
जो आपके इन्फेक्टेड प्लांट्स हैं वहाँ से हेल्दी प्लांट में किसी भी तरीके से वाटर इरिगेट होकर के ना जाए, क्योंकि वाटर जितना ज़्यादा वहाँ से इरिगेट होकर के आएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, इन्फेक्शन हेल्दी प्लांट्स में भी हो जाएगा और अल्टीमेटली इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, मैं मेंस्ट्रुएशन कैसे क्या होता है, देखो मेंस्ट्रुएशन एक ऐसा प्रोसेस है जो एक फीमेल को फर्टाइल बनाता है। ठीक है, तो बेसिकली जो एक जैसे काउज में अगर हम बात करें, एनिमल्स में बात करें, तो अल्टीमेटली एक फीमेल जो है वो प्रॉपरली फर्टाइल होती है इस पर्टिकुलर मेंस्ट्रुएशन की प्रोसेस के बाद, यही मेंस्ट्रुएशन की प्रोसेस का रिजल्ट होता है। क्लियर, चलो अब नेक्स्ट में चलते हैं गाइस। तो ड्रेनिंग इरिगेशन वाटर एंड लेटिंग सॉइल टू ड्राई, तो अल्टीमेटली यहाँ पर हमें एक चीज़ और यूज़ करनी है। तो बेसिकली यहाँ पर हम क्या करेंगे, अवॉइड, एक तो हमें क्या करना है, बहुत ओवर इरिगेशन नहीं करना, यानी कि बहुत ज़्यादा वाटर फ्लो हमें नहीं देना। ठीक है, कि बहुत ज़्यादा एक्सेस में आपने वाटर दे दिया। दूसरा ये भी आपको ध्यान रखना है कि भाई इरिगेशन जब आप प्रोवाइड कर रहे हो तो उसमें अफेक्टेड प्लांट्स से और हेल्दी प्लांट्स की तरफ वाटर नहीं आए। तीसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जब आप वाटर प्रोवाइड कर रहे हो तो उसका प्रॉपरली ड्रेनेज भी हो जाए, वो किसी तरीके से प्रॉपरली फील्ड से बाहर भी चला जाए। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी है, मैनेजमेंट के लिए यूज़ करनी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें मैनेजमेंट के लिए यूज़ करनी है। पैथोजन से होती है, ब्लास्ट डिजीज़ कैसे होती है, ब्लास्ट डिजीज़ पैथोजन से होती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं गाइज हम, तो राइस रैक्ट स्टंट डिजीज़ में। तो राइस रैक्ट स्टंट डिजीज़ ये जनरली वायरल इन्फेक्शन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम पैथोजन की बात करें गाइस, तो इस पैथोजन में डबल स्टैंडर्ड आरएनए जीनोम होता है। क्लियर, ये इस पैथोजन का मेन स्पेसिफिक फीचर है कि इसके पास डबल स्टैंडर्ड आरएनए जीनोम होता है। क्लियर, अब देखिए, और ये स्फेरिकल वायरस होते हैं, यानी कि गोल होते हैं। अब इसके सिम्टम्स की अगर हम बात करें गाइस, ये इंपॉर्टेंट फीचर है। ठीक है, कई बार एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन दे देता है कि किस टाइप का वायरस है, या कौन सा आपका डबल स्टैंडर्ड वायरस है, कौन सा सिंगल स्टैंडर्ड वायरस है। तो ये जो वायरस है ये आपका डबल स्टैंडर्ड आरएनए जीनोम वाला वायरस है जिसका स्फेरिकल शेप है। क्लियर, चलिए अब नेक्स्ट में चलते हैं गाइस। सिम्टम्स की अगर हम बात करें, तो बेसिकली जो इन्फेक्टेड प्लांट है, ठीक है, उनकी ग्रोथ रुक जाती है, उनकी ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो पाती इन्फेक्टेड प्लांट्स की। ठीक है, दूसरी बात, ये जनरली इन्फेक्शन कॉज करता है, तो लीफ वाले पार्ट में इन्फेक्शन कॉज करता है, तो अल्टीमेटली लीफ जो होती हैं दैट विल बी शॉर्ट डार्क ग्रीन एंड सेरेटेड एज। तो बेसिकली जो लीव्स होती हैं वो डार्क ग्रीन कलर की हो जाती हैं। ठीक है, और बिल्कुल मतलब काफ़ी ज़्यादा डार्क कलर उनमें देखने को मिलता है, और लीफ का जो साइज़ है वो बड़ा नहीं होता, वो छोटा ही रहता है। तो ये कुछ स्पेसिफिक फीचर हम लीफ में ऑब्जर्व करते हैं। इसके अलावा लीफ ब्लेड ट्विस्टेड एट द एपेक्स और बेस विच रिजल्ट इन द स्पायरल शेप ऑफ लीफ। तो यहाँ पर लीफ का जो शेप है वो एक्चुअली में कैसा हो जाएगा, स्पायरल हो जाएगा। ठीक है, तो लीफ का प्रॉपर जो शेप है वो स्पाइरल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लीफ जो है वो टिप से भी कर्ल हो जाती है और बेस से भी ट्विस्ट हो जाती है। तो दोनों पार्ट से इस तरीके से जब ट्विस्ट हो जाएगी, यहाँ से भी वो ट्विस्ट हो गई, यहाँ से भी ट्विस्ट हो गई, तो जब वो दोनों पार्ट से ट्विस्ट हो गई तो अल्टीमेटली ऐसे कंडीशन में क्या होगा, वो स्पाइरल शेप की दिखने लगेगी। भाई पहले प्रॉपरली लीफ बन रही, अगर वो सिर्फ एपेक्स वाले पार्ट से अगर वो ट्विस्ट करती तो वो सिर्फ ऊपर वाले पार्ट में दिखती, लेकिन पीछे से भी हो रही है। तो जब हम किसी चीज़ को इस तरीके से मोड़ते हैं वो स्पाइरल शेप में आ जाती है ना, तो इस तरीके से यहाँ पर लीफ ये आपका जो शेप है वो जनरली क्या हो जाता है, स्पाइरल शेप में आ जाता है। ठीक है गाइस, गिव मी जस्ट वन मिनट। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट में चलते हैं गाइस हम। इसके अब नेक्स्ट सिम्टम्स की बात करते हैं। तो जनरली जो लीफ एजेस वाला पार्ट है, ठीक है, जो लीफ का एजेस वाला पार्ट है जनरली वो अनइवन रहता है। वहाँ पर जनरली अगर हम अपेयरेंस देखेंगे, ट्विस्टिंग अपेयरेंस, तो बिल्कुल अनइवन रहता है। जैसे मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में और एंडिंग में जनरली क्या होता है, जब हम ट्विस्ट करते हैं उसको स्टार्टिंग और एंडिंग में, तो वो स्पायरल शेप में आ जाता है। लेकिन अगर हम एजेस में देखें, किनारे से अगर हम उसको देखें, तो ट्विस्टेड की वजह से क्या होता है कि रैग्ड अपेयरेंस आता है, कहीं से ऊपर कहीं से नीचे, इस तरीके से अनइवन अपेयरेंस आने लगता है। ठीक है, और ये जो पूरा रेड पोर्शन है इसका कलर भी धीरे धीरे चेंज होने लगता है। मींस इसका जो पूरा कलर है वो येलो से येलोइश ब्राउन कलर में कन्वर्ट होने लगता है। क्लियर, तो बेसिकली जो रेड पोर्शन है, यानी कि जो ये ट्विस्टेड पोर्शन है, अनइवनली ट्विस्टेड पोर्शन है, ये आपका येलो टू येलो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर, दूसरी बात, वेन स्वेलिंग डेवलप ऑन द लीफ ब्लेड एंड शीथ। यहाँ पर क्या होता है, वेन में, वेन्स वाले पार्ट में भी स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो वाला पार्ट थोड़ा सा स्वेल हो जाता है आउटर साइड के लिए। तो बेसिकली ये कुछ चीज़ें हम ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं गाइस मैनेजमेंट की। अब हम इस इन्फेक्शन को मैनेज कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आपने रेक्ट वायरस डिजीज में एक स्पेसिफिक सिम्टम ऑब्जर्व किया, वो स्पेसिफिक सिम्टम क्या है, स्पायरल लीव्स। तो ये स्पेसिफिक सिम्टम इसी डिजीज में होता है, ये और हम किसी
कम्युनिटी में ऑब्जर्व नहीं करते। ये इसका एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इसको बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो मैनेजमेंट की बात करते हैं गाइस। तो मैनेजमेंट में सबसे पहली चीज हमें क्या करना है, प्लांट्स के बीच में स्पेसिंग रखनी है, क्लियर। प्लांट के बीच में हमें स्पेसिंग रखनी है, क्यों स्पेसिंग रखनी है, ताकि वहां पर इन्फेक्शन जो है बहुत जल्दी स्प्रेड नहीं करे। दूसरा हमें यहाँ पर क्या करना है कि गुड वेराइटीज को इंट्रोड्यूस करना है, यानी कि जो अच्छी वेराइटीज है उन्हें हमें इंट्रोड्यूस करना है, ताकि क्या हो सके वो डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटीज को, एक तो बहुत ज्यादा केयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, दूसरा वहां पर डिजीज की वजह से बहुत ज्यादा लॉसेस नहीं होते हैं, तो हमें एक अच्छी यील्ड मिलती है। दूसरी बात, प्लॉइंग एंड हैरोइंग द फील्ड टू डिस्ट्रॉय द स्टबल्स। तो आपको क्या करना है, आपको स्टबल्स को रिमूव करना है। स्टबल्स को क्यों रिमूव करना है, ताकि वहां पर जो भी क्रॉप हम इसके बाद लगाएं वो क्रॉप प्रॉपरली हेल्दी हो, पुरानी क्रॉप्स का किसी भी तरीके से कोई भी इन्फेक्टेड या कोई भी इन्फेक्टेड पार्ट वहां पर नहीं रहना चाहिए, या कोई भी ऐसा जो प्राइमरी इन्फेक्शन या सेकेंडरी इन्फेक्शन कॉज करे, तो इस तरीके से वहां पर कुछ भी नहीं रहना चाहिए, ताकि न्यू जो क्रॉप हम लगाएं उसमें भी किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो, ठीक है, ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। चलो दूसरी बात, अप्लाई एनी वन ऑफ वेक्टर कंट्रोल। तो बेसिकली हमें कोई भी वेक्टर कंट्रोल को भी हमें क्या करना है, अप्लाई करते रहना है, ठीक है। वेक्टर कंट्रोल क्यों, क्योंकि ये जो इन्फेक्शन है ये जनरली वेक्टर के थ्रू स्प्रेड करता है, तो भाई ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है कि वहां पर किसी भी तरीके का कोई वेक्टर ना हो जिससे इन्फेक्शन एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड हो पाए, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट में चलते हैं गाइस। तो अब आपके आगे हैं कुछ क्वेश्चंस, अब क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, क्योंकि थ्योरी तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब क्वेश्चंस में आप लोगों को ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज रिच मैन डिजीज। तो इसमें आपको ये बताना है कि रिच मैन डिजीज कौन सी है, स्टेम रॉट होगी, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट होगी, राइस ब्लास्ट होगी, या फिर ब्राउन स्पॉट होगी। तो गाइस फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या होगा। हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून भावना कुमारी, वेलकम इन द सेशन। चलिए अब बताइए गाइज यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नोन एज रिच मैन डिजीज। तो कौन सी डिजीज है जिसको हम रिच मैन डिजीज बोलते हैं, बताइए कौन सी डिजीज है राइस में जिसको हम रिच मैन डिजीज बोलते हैं। आद्य दीक्षित ब्लास्ट, ओके ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स भी बताइए गाइज क्या होगा। अच्छा सी इज करेक्ट, ठीक है ओके, ब्लास्ट वही करेगा जो रिच होगा, ये भी सही है, लर्न करने के तरीके है ना। चलो बाकी स्टूडेंट्स भी बताओ गाइस क्या इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा, कौन सा डिजीज है जिसको हम रिच मैन डिजीज बोलते हैं, बताइए। तो गाइस रिच मैन डिजीज आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया है, रिच मैन डिजीज हो जाएगा हमारा राइस ब्लास्ट डिजीज, ठीक है। राइस ब्लास्ट डिजीज बेसिकली द रिच मैन डिजीज, और इसे पहली बार थंजावोर में रिपोर्ट करा गया था, कहाँ पर, थंजावोर में इसको रिपोर्ट करा गया था। थंजावोर जो है ये जनरली आता है आपके तमिलनाडु में, किसमें आता है जनरली आपके तमिलनाडु में आता है, ठीक है, और पाइरिकुलेरिया इसको जनरली यही पैथोजन कॉज करता है, ठीक है। इसमें इरेगुलर टाइप के सिम्टम्स जनरली हम ऑब्जर्व करते हैं कि इरेगुलर टाइप के सिम्टम्स जनरली लीफ वाले पोर्शन पे आ जाते हैं, तो हम इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि दिस इज द राइस ब्लास्ट इन्फेक्शन, क्लियर बात, ठीक है। हाँ बिल्कुल, यंत्रिक्ष सी करेक्ट है, भावना बी करेक्ट नहीं है, बी गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following disease is known as poor man's disease? तो poor man's disease कौन कॉज करेगा यहाँ पर, बताइए, bacterial leaf blight, yellow mosaic disease, rice blast disease, या फिर brown spot disease, बताइए। हाँ अजय का आंसर आया है सी, बिल्कुल अजय बिल्कुल सही आंसर आपने दिया है, राइस ब्लास्ट डिजीज आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि इनमें से कौन सा ऐसा डिजीज है जो पुअर मैन डिजीज है, रिच मैन डिजीज तो आपने मुझे बता दिया, बिल्कुल करेक्ट बताया है, ठीक है। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि यहाँ पर ये पुअर मैन डिजीज कौन सा है, बताओ। हाँ अजय का, हाँ अजय आपका आंसर मैंने देख लिया, ब्लास्ट बिल्कुल करेक्ट है, भावना सी इज करेक्ट, ओके ठीक है, पुअर मैन डिजीज ओके। बाकी स्टूडेंट्स भी गाइज देखो, सारे स्टूडेंट्स बताओ क्या करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, पुअर मैंस डिजीज हम किसको बोलेंगे, बताओ इनमें से कौन सा ऐसा डिजीज है जिसको हम पुअर मैंस डिजीज बोलेंगे, BLB बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, आद्य दीक्षित ओके ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स भी बताइए गाइज, पुअर मैंस डिजीज इनमें से कौन सा है, बताओ फटाफट से आंसर दीजिए यहाँ पर, पुअर मैंस डिजीज कौन सा है। सी
सिर्फ एक ही आंसर आया इस क्वेश्चन का, बाकी आंसर नहीं आए अभी। बताइए गाइस, कृषक गरीब है। अच्छा ये भी सही है, कृषक गरीब है। ओके अजय ए इज करेक्ट, ठीक है। ओके अजय ने भी आंसर किया ए, यस गाइस। तो बिल्कुल सही आप सभी ने आंसर किया है, जितने स्टूडेंट ने बैक्टीरिया लीफ लाइट आंसर किया बी एल बी, ठीक है। तो बेसिकली बी एल बी जो है दिस इज द पुअर मैंस डिजीज, ठीक है। रिच मैन डिजीज, बिल्कुल आपका रिच मैन डिजीज राइस ब्लास्ट डिजीज हो जाएगा, ठीक है। राइस ब्लास्ट इन्फेक्शन, तो ब्लास्ट डिजीज जो है दिस इज रिच मैन डिजीज। आर फॉर राइस, बी फॉर ब्लास्ट, तो राइस ब्लास्ट, राइस ब्लास्ट क्या है, रिच मैन डिजीज है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रिच मैन डिजीज। पुअर मैन डिजीज, तो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट जो है बेसिकली दिस इज कॉल्ड द पुअर मैन डिजीज, ठीक है। तो बिल्कुल करेक्ट आप सभी ने आंसर बताया, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो चलिए गाइस, ये हमारे आज के क्वेश्चंस थे, ठीक है। एट द एंड ऑफ सेशन गाइस, ये आपका पंजाब एडीओ का बैच है, तो जो भी स्टूडेंट इनरोल करना चाहते हैं गाइस, अभी आप इनरोल कर सकते हो, क्योंकि अभी इस टाइम पर चल रही है डबल वैलिडिटी प्लस 80% ऑफ। तो पंजाब एडीओ के बैच में जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी तक इनरोल नहीं किया है और आप तैयारी करना चाहते हो पंजाब एडीओ के एग्जामिनेशन की, तो गाइस आप इस बैच में इनरोल कर सकते हो और जुड़ सकते हो हमारे साथ, ठीक है। क्योंकि अभी इस पे चल रहा है 80% ऑफ प्लस साथ ही साथ डबल वैलिडिटी भी। तो गाइस ये जो बैच है इसमें आपको सभी सारे के सारे फैकल्टीज अपने दिखाई देंगे, ठीक है। संदीप सर हैं, वर्षा मैम हैं, आकाश सर हैं, मीनाक्षी मैम हैं, मैं हूँ, बाकी जीके जी आप बाकी सब्जेक्ट्स के भी आपके फैकल्टीज हैं। तो इस बैच में आपको इनरोल करना है, ठीक है। और अभी ये टाइम सबसे बेस्ट इसलिए है गाइस, ये टाइम सबसे बेस्ट इसलिए क्योंकि अभी चल रही है डबल वैलिडिटी प्लस 80% ऑफ। तो बिल्कुल इस टाइम पे अगर आप इनरोल करते हो तो आपको बिल्कुल इस टाइम पे डबल वैलिडिटी पर ये बैच मिल जाएगा, तो दैट इज वेरी बेस्ट फॉर यू, ओके। इसके अलावा गाइस आप एग्रीकल्चर महापैक के लिए भी इनरोल कर सकते हो, ये आपका एग्रीकल्चर महापैक है, राइट। तो इसमें आप इनरोल कर सकते हो इस टाइम पे। एग्रीकल्चर महापैक पर आपको सारी लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, वीडियो कोर्सेस, सारा कुछ आपको इसमें एक ही बैच में मिल जाएगा, यानी कि एक ही एग्रीकल्चर महापैक पर मिल जाएगा। और ये भी चल रहा है डबल वैलिडिटी पर प्लस 80% ऑफ पर। और इसके लिए सिंपली आपको एक कूपन कोड अप्लाई करना है, दैट इज Y447A, क्योंकि इस कूपन कोड पर आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट प्लस 80% ऑफ, क्लियर। अब देखो आपको इनरोल कैसे करना है तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो गाइज आप डायरेक्टली ऐप से भी इनरोल कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा अब मैं यहाँ पर साइट से इनरोल कर रही हूँ, तो आप यहाँ से भी इनरोल कर सकते हो। वैसे अगर आप ऐप से इनरोल करोगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, क्यों, क्योंकि ऐप में आपको कुछ कॉइन्स मिलते हैं, उससे बैच के प्राइस आप और भी रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस ये आपका मैंने साइट ओपन कर दिया, आपको क्या करना है, सिंपली ऑल कोर्सेज पर आपको जाना है। ऑल कोर्सेज में ये देखिए एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में आईबीपीएस, सॉरी आईबी नॉट आईबीपीएस एक्चुअली, आपका तो पंजाब एडीओ ना, पंजाब एडीओ पर आपको जाना है। पंजाब एडीओ पर जैसे ही आप जाओगे ये देखिए एग्रीकल्चर महापैक पर डबल वैलिडिटी, ये पंजाब एडीओ का न्यू बैच है और ये कंप्लीट बैच है जो अभी चल रहा है, ठीक है। तो आप न्यू बैच में इनरोल कर सकते हो। न्यू बैच आपका 7th of February से स्टार्ट होने वाला है, यानी कि बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो ये आपका न्यू बैच है गाइस, इसका जो एक्चुअल प्राइस है दैट इज 11,999। तो इस बैच में व्यू ऑफिस में जाकर के आपको क्या करना है, सिंपली ये कूपन कोड अप्लाई करना है, और ये कूपन कोड है आपका Y447A। जैसे इस कूपन कोड को अप्लाई करोगे देखो 2399 में ये बैच आपको अवेलेबल हो जाएगा, क्लियर। तो गाइस देखिए अभी डबल वैलिडिटी भी है प्लस यार 80% ऑफ भी है, तो बिल्कुल आप इस बैच में अभी इनरोल कर सकते हो, क्योंकि 11,999 इसका एक्चुअल प्राइस है, और प्राइस देखो 80% रिड्यूस हो रहा है, 2399 में ये बैच आपको अवेलेबल हो रहा है। तो गाइस बिल्कुल आप इस टाइम पे अगर इनरोल करते हो तो ये सबसे ज्यादा बेस्ट है। और अगर आप काफी सारे एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो, यानी कि एग्रीकल्चर के ही एग्जाम्स को अगर आप टारगेट कर रहे हो, तो आप एग्रीकल्चर के महापैक पर इनरोल कर सकते हैं। ये देखिए ये रहा आपका एग्रीकल्चर का महापैक, ठीक है। अब इसमें आपको क्या क्या अवेलेबल हो जाएगा, तो सारी लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, रिकॉर्डेड क्लासेस, और साथ ही साथ आपको ई बुक्स भी इसमें मिल जाएंगे। और जो ई बुक्स मिलेंगी गाइस वो भी काफी ज्यादा बेस्ट है, आपको मतलब रीड करने से ही लगेगा कि यार ये तो बहुत ही बेस्ट मटेरियल है, ठीक है। तो गाइस ये सारे आपको अवेलेबल हो जाएंगे, राइट। एग्जाम्स आपको इसमें कौन कौन से मिलेंगे महापैक पर, तो गाइज देखिए FSSAI आपको मिल जाएगा, उसमें आप एलिजिबल हो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट, राइट। FSSAI CFSO TO, ठीक है। FCI AGM एलिजिबल हो आप, FCI टेक्निकल ऑफिसर, IBPS SO AFO, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, IFFCO AGT, NABARD
एनएससी हरियाणा एडीओ एंड स्टेट एग्री एग्जाम्स। तो ये सब कुछ आपको सिंगल एक बैच में मिल जाएगा, आपको अलग अलग सारे बैचेस में इनरोल करने की जरूरत नहीं है। अब गाइज आपको जितने टाइम के लिए चाहिए, अगर आपको पूरा वन ईयर वाला चाहिए तो ये 2 ईयर्स अभी डबल वैलिडिटी पर चल रहा है, 2 ईयर्स के लिए मिलेगा। और 6 मंथ वाला चाहिए तो इसका प्राइस रिड्यूस हो जाएगा, ये अभी 6 मंथ वाला भी डबल वैलिडिटी पर है तो पूरा ईयर तक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सिंपली इसके लिए भी आपको क्या करना है, कूपन कोड अप्लाई करना है, दैट इज Y447A। और जैसे ही आप इसको अप्लाई करोगे 5599 में ये बैच आपको अवेलेबल हो जाएगा। क्लियर? तो गाइज इससे आप इस बैच में इनरोल कर सकते हो, जुड़ सकते हो हमारे साथ और अपनी तैयारी और भी अच्छे तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो गाइज जिन भी स्टूडेंट्स को अभी इनरोल करना है गाइज इस टाइम पे कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद यार डबल वैलिडिटी भी खत्म हो जाएगी तो फिर आपको नॉर्मल प्राइस पर आपको इनरोल करना पड़ेगा, तो बेस्ट है। और अगर आप ऐप से इनरोल करते हो तो और भी आप प्राइस को और ज्यादा उस पर कॉइन्स मिलेंगे, तो कॉइन्स को यूज करके आप प्राइस को और भी रिड्यूस कर सकते हो। क्लियर? तो चलिए गाइज ये हमारी आज की क्लास थी, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में यानी कि कल की क्लास में। तो तब तक के लिए गाइज अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी करते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।